जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आप टाइटल देख रहे हैं बोर्ड पर, बहुत इंपॉर्टेंट हैं डिफेंस पेंशनर्स के लिए, उनके फैमिली पेंशनर्स के लिए। क्योंकि दोस्तों मैं प्रैक्टिकल बातें करता हूं, हवा की बातें नहीं करता हूं, मैं पॉलिटिक्स की बातें नहीं करता हूं, पॉलिसीज की बातें करता हूं, हाय हाय नहीं करता हूं दोस्तों, हाउ और व्हाई की बातें करता हूं, इमोशन की नहीं ऑथराइजेशन की बातें करता हूं। मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी मैंने, तो सीधे चलते हैं काम की बातों पर। ओआरओपी के तीसरे रिवीजन के पीपीओ के मैसेज कई पेंशनर्स को प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन लॉग इन करने के बाद उनके पीपीओ नदारद हैं, गायब हैं। 3 years 2 no 1 no, इसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। और स्पर्स अकाउंट हुए डीएक्टिवेट, अब क्या करें, चलो इन सब चीजों पर बात करूंगा दोस्तों। ये दूसरे पॉइंट को छोड़ना मत दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, क्योंकि पहला वाला तो मैं समझा दूंगा आपको, दूसरे के लिए जरूर रुका रहना दोस्तों, क्योंकि यह सबके साथ में हो रहा है, स्पर्स के अकाउंट डीएक्टिवेट हो रहे हैं। चलो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे, आप इस प्रकार का मैसेज देख रहे हैं दोस्तों कि डियर सूबेदार मेजर, सो एंड सो पेंशनर आईडी ओरिजिनल पीपीओ हैज बीन जनरेटेड अगेंस्ट ओरिजिनल पीपीओ टू व्यू योर एंटाइटलमेंट एंड लेटेस्ट पीपीओ लॉग ऑन टू स्पर्स की वेबसाइट। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है ओआरओपी 3 का अभी रिवीजन चल रहा है, और कई पेंशनर्स को इस प्रकार के मैसेजेस भी आए हैं कि आपका कोरिजेंडम पीपीओ ओआरओपी 3 के अकॉर्डिंग जो है जनरेट कर दिया गया है, तो आप स्पर्स में लॉग इन करिए और अपना पीपीओ देख लीजिए। और ऐसे में दोस्तों जब वो लॉग इन कर रहे हैं तो वहां पर उनको पीपीओ ही नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में आपको क्या करना है आगे मैं आपको बताऊंगा। दूसरा दोस्तों देखिए, मैंने एक ही पेंशनर्स का लेकर के आया हूं ताकि आप इस चीज को भरोसे के साथ समझ भी सको। ये सूबेदार मेजर धनंजय हाजरा साहब का है, और धनंजय हाजरा साहब को, अब देखिए इनको ये मैसेज आया, और यह भी मैसेज आया कि धनंजय हाजरा पेंशन अंडर ओआरओपी हैज बीन रिवाइड टू INR 39,700, मतलब सूबेदार मेजर साहब की 39,700 हो चुकी है 1 जुलाई 2024 से। और इनको एरियर का मैसेज भी आ गया है दोस्तों, या एरियर का मैसेज, इनके एरियर का मैसेज ही नहीं, इनके खाते में भी आ चुका है 34,650 रुपए, 3 महीने का जो ओआरओपी का जो बढ़ोतरी हुई है उसके डिफरेंस का एरियर इनका 34,650 इनके अकाउंट में आ चुका है। हालांकि दोस्तों इनका पीपीओ अभी तक भी इस पर्स में लॉग इन करने के बाद इनको दिखाई नहीं दे रहा है। और कुछ पेंशनर्स ऐसे भी हैं दोस्तों जिनको यहाँ मैसेज तो आ चुका है उनका एरियर, लेकिन अभी तक नहीं आया है, और दूसरा उनका ओरिजिनल पीपीओ भी जारी नहीं हो। हालांकि कईयों के हो चुके हैं दोस्तों, लेकिन कईयों के नहीं हुए। इस हालत में भी जब उनको एरियर भी मिल गया है और यहाँ मैसेज भी आ गया है, तो ऐसे में कई लोग जो है बेचैन हैं, लगातार पूछ रहे हैं कि अब क्या होगा, हमने कहाँ कंप्लेन करनी है, स्पर्स में कंप्लेन भेजें, सीपी ग्राम में करें, तो इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देना चाहता हूं दोस्तों। जैसा कि मैं आपको बता ही रहा था, मैं एसएम धनंजय हाजरा की ही बात कर रहा था, तो इनका यह पीपीओ देखिए दोस्तों, पीपीओ नहीं पेंशन स्लिप, ये सूबेदार मेजर धनंजय हाजरा साहब का ही है। इनके बारे में पहले मैं आपको बताता हूं और इसको आपसे रिलेट करता हूं दोस्तों। देखिए इनकी सर्विस है दोस्तों, सूबेदार मेजर हैं, एक्स ग्रुप के हैं, 6200 इनका ग्रुप पे इनको मिलता था, तो इसका मतलब जो है टेबल नंबर 8 में इनकी जगह है, ठीक है ना। क्वालिफाइंग सर्विस है इनकी 29 साल, और डेट ऑफ जो डिस्चार्ज है दोस्तों ये 31 अगस्त 2017 को, यानी कि 7वें पे कमीशन के बाद इनका रिटायरमेंट हुआ था। लेकिन दोस्तों इसमें बड़ी बात देखिए, क्योंकि 7वें पे कमीशन के बाद इनका रिटायरमेंट हुआ अगस्त 2017 में, और जो ओआरओपी 2 लागू होता है दोस्तों वह होता है 1 जुलाई 2019 से, यानी कि 30 जून 2019 तक जो भी डिस्चार्ज आए हैं, रिटायरमेंट आए हैं, तो उनको ओआरओपी 2 लागू था। अब इनके लिए दोस्तों यहां मैसेज तो आ चुका है कि आपकी ओआरओपी 3 के तहत 39,700 रुपए हो चुकी है। ये बिल्कुल सही है दोस्तों, मैंने टेबल भी चेक कर ली, सब चीज चेक कर ली, 39,700 इनकी हो चुकी है, इसका एरियर भी इनको मिल गया है 3 महीने का। लेकिन दोस्तों आप बड़ी चीज यह देखिए कि ओआरओपी के सेकेंड रिविजन भी इनको लागू था, क्योंकि 17 में आ गए थे, इनकी ओआरओपी 2 के हिसाब से बननी चाहिए थी दोस्तों 38,700 रुपए। और दोस्तों ये मैं केवल एक सूबेदार मेजर साहब की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, आपको भी चेक करने पड़ेंगे, इसलिए मैं बता रहा हूं एक ये सारी चीजें मैं एक ही पेंशनर की इसलिए लेकर के आया हूं कि आप भी समझ सकें दोस्तों, यह आपके साथ भी हो सकता है। तो ओआरओपी 2 इनको लागू थी दोस्तों, लेकिन देखिए इनकी जुलाई की पेंशन स्लिप दोस्तों, जुलाई 2024 की पेंशन स्लिप है इनकी, 32,000 इनको बेसिक पेंशन मिल रही थी दोस्तों, 32,000, जबकि कितनी मिलनी चाहिए थी 38,700 1 जुलाई 2019 से, लेकिन यहां 32,000 वही पा रहे हैं
जो इनके डेट ऑफ डिस्चार्ज, जब से उनका डिस्चार्ज हुआ है, तो जो उनको लास्ट इमोलमेंट के ऊपर इनकी पेंशन बनती थी वही पा रहे। इनको ओआरओपी सेकंड रिवीजन नहीं दिया गया है, तीसरा इनको दे दिया गया है। और ऐसे दोस्तों कई केसेज हैं अभी, और ज्यादातर मैंने फैमिली पेंशनर्स के केसेज भी देखे हैं दोस्तों, जिनमें उनको ओआरओपी वन का ही लाभ नहीं दिया गया है, ओआरओपी टू का भी किसी को लाभ नहीं दिया गया है, और थ्री का उनको दे दिया गया है। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुतों के हैं दोस्तों मेरे पास, कईयों ने भेज दिया, कईयों की ग्रेवेंसेज मैंने उनसे डलवा दी हैं सीपी ग्राम में, कईयों को मैंने ड्राफ्ट भी भेजे हैं। आप जो है इस प्रकार से लिख करके भेजिए, कुछों के मैंने भी डाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों कुल मिलाकर के चेक कर लीजिए, कहीं आपके साथ में तो कुछ ऐसा नहीं पड़ा हुआ है दोस्तों। कुल मिलाकर के पेंशनर्स को जागरूक होना पड़ेगा दोस्तों। बच्चा अगर रोएगा नहीं तो यह समझ लीजिए कि बच्चा अगर रोएगा नहीं तो माँ दूध पिलाएगी नहीं। तो वो पीसीडी ने इनका ओआरओपी थ्री तो कर दिया, उनको पता था इनको लागू है इतना, लेकिन पहले उनको कम मिल रही थी, कुछ नहीं कि जब तक बच्चा, जब तक पेंशनर रोएगा नहीं, मुझे कंप्लेन नहीं करेगा, तो मैं भी रिवाइज नहीं करूंगा। इसलिए दोस्तों कंप्लेन डालनी जरूरी है, और सबसे पहले कंप्लेन तभी डालोगे ना आप दोस्तों जब आपको कुछ कमी का पता लगेगा। अगर कमी का ही पता नहीं है, अब ऐसे में अगर एसएम साहब हमारी वीडियोज ना देखते, हम कई वीडियोज में बताते रहते हैं कि ओआरओपी वन में इतना लागू है आपको, टू में इतना लागू है, अलग अलग रैंक के हिसाब से थ्री में इतना लागू है। तो अगर वो उसके साथ में मिलाप ना करते, या इस प्रकार के कई और पेंशनर्स भी हैं, अगर वो मिलाप ना करते तो उनको पता नहीं लगता कि वाकई में तो मुझे तो कम मिल रही है, और कम मिल रही है तो हमसे संपर्क भी ना करते, संपर्क ना करते या फिर वो खुद सीपी ग्राम में अगर इसे ना डालें, तो दोस्तों आप समझ लीजिए कि जो ओआरओपी वन से महरूम हैं, जिनको नहीं मिल रहा है, आपको पता ही नहीं है कि मिल रहा है नहीं मिल रहा है, टू में मिल रहा है नहीं मिल रहा है, थ्री में मिल गया खुश हो गए, तो दोस्तों आपकी गलती है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि पीसीडी स्पर्श की ही गलती है, उनको कर देना चाहिए। दोस्तों आपको आवाज उठानी पड़ेगी, आपको कंप्लेंट डालनी पड़ेगी, आपको जागरूक होना पड़ेगा, तभी जाके आपको आपके पूरे इंटाइटलमेंट, आपके हक आपको मिल पाएंगे दोस्तों। बाकी तो दोस्तों जो अपनी पेंशन से बिल्कुल संतुष्ट हैं कि बिल्कुल दो वक्त की रोटी भरपेट मिल रही है, तो आप संतुष्ट भी रह सकते हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगली बात मैं कहूंगा दोस्तों कि जैसे कि मैसेजेस आ रहे हैं कि सर ये आ रहे हैं हमारे पीपीओ क्यों नहीं जनरेट हो रहे हैं, कईयों के आए हैं दोस्तों कि कहां कंप्लेंट करें, तो दोस्तों मैं आपको यह बता दूं, आपको अभी ओआरओपी थ्री का प्रोसेस चल रहा है, यह पूरा महीना है दोस्तों, कईयों की इस महीने बढ़कर, कुछों की तो पिछले महीने आ गई थी, कईयों की पेंशन अब की बार में ओआरओपी थ्री के तहत रिवाइज होकर के आनी है। तो उनके इस प्रकार के मैसेज आ रहे हैं, तीन तीन महीने का एरियर आ रहा है, भले ही दोस्तों यह आ गया हो, उस पर उसने भेज दिया है कि आप चेक कर लीजिए, हमने कोरिजेंडम पीपीओ जनरेट कर दिया है। तो दोस्तों इन्होंने जनरेट तो किए हैं दोस्तों कई पेंशनर्स के, लेकिन उनके प्रोफाइल में अपलोड नहीं किए हैं दोस्तों। इसलिए दोस्तों मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए दोस्तों। आपके पेंशन आने से पहले पहले तकरीबन सभी के जो हैं, जो कोरिजेंडम पीपीओ हैं, अपलोड कर दिए जाएंगे। बस बीच बीच में आपने चेक करना है दोस्तों, दो तीन दिन के बाद आप चेक करते रहिए कि आपका कोरिजेंडम पीपीओ अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसके पीछे इतना परेशान मत होइए, आपकी पेंशन ऑलरेडी रिविजन हो चुकी है दोस्तों, आपकी पेंशन स्लिप भी नए जो रिविजन के तहत ही आएगी, तो पीपीओ भी आपको मिल जाएगा, आपको इतना जो है पैनिक करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। और दूसरी चीज है दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट चीज है, स्पर्श पोर्टल के बारे में बताऊं। देखो एक मैं आपको मैसेज केवल एक कमेंट इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको पता लग सके कि इस प्रकार के सवाल आ रहे हैं, ठीक है ना। सर स्पर्श अकाउंट डीएक्टिवेटेड क्यों होता है और इसे एक्टिवेट करते हैं, अनलॉक करने से भी न्यू पासवर्ड नहीं बन रहा है, प्लीज इस पर वीडियो बनाए। देखिए दोस्तों मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि आप कई दिनों से अगर स्पर्श में लॉग इन नहीं कर रहे हैं तो आपका स्पर्श का अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। अब ऐसे में दोस्तों मैंने कई बताया भी था कि आपने उसको अनलॉक करना है, ठीक है ना। तो अनलॉक करने के बाद भी ये बोल रहे हैं कि अब क्या करना है, अभी भी नहीं खुल रहा है, तो इस पर मैं बताऊंगा दोस्तों कि प्रॉपर आपने क्या करना है। और इसमें एक और चीज बता दूं दोस्तों कि अब जो है रूटीनली जब आप लॉगिन भी करते हैं जो रूटीन में, तो एक चेंज पासवर्ड भी आ रहा है आपका बार बार बीच बीच में, जो है सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों, स्पर्श पोर्टल आपकी प्रोफाइल को, सारे डेटा को की सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए बीच बीच में जो है अब आपको अपने पासवर्ड भी चेंज करने पड़ेंगे, और लगातार आ रहे हैं और चेंज कर रहे हैं पासवर्ड, ठीक है ना। तो वो भी मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। तो कुल मिलाकर के आप ये देख रहे हैं दोस्तों, यह स्पर्श का पोर्टल है, ठीक है। अब दोस्तों ये आप जब लॉगिन में जाते हैं इस प्रकार से, यहां पर जब आप लॉगिन करते हैं, जो आपके पास में लॉगिन पासवर्ड है,
जब लॉग इन करते हैं तो यहां पर लिखा हुआ आ जाता है योर अकाउंट हैज बिन डीएक्टिवेटेड। तो ऐसी हालत में क्या करना है दोस्तों, आपने आप नीचे देख रहे हैं दोस्तों, आपने कहीं इनको छोड़ देना है जब लगा कि आपको डीएक्टिवेट हो चुका है। आपने क्या करना है दोस्तों, इसके नीचे देखिए अनलॉक अकाउंट, ये वाला देख रहे हैं दोस्तों, आपने इसको दबाना है, अनलॉक अकाउंट को करना है आपने। अब यहां पर आपने अपना यूजर नेम डालना है दोस्तों। इस पास का पीपीओ होता है, उसके लास्ट में जो सर्विस पेंशनर होते हैं वो 01 लगा देते हैं और जो फैमिली पेंशनर्स हैं 02 लगा देते हैं। तो जब आप यहां पर लिख दोगे ना दोस्तों, तो आपने यहां पर सेंड ओटीपी करना है। सेंड ओटीपी करेंगे आप तो आपके मोबाइल पर ओटीपी आ जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। ओटीपी आएगा तो ओटीपी डालने के लिए आएगा कि यहां पर ओटीपी डालिए, आप ओटीपी डालना उसको। जैसे सबमिट करेंगे दोस्तों, आपको एक मैसेज आ जाएगा योर अकाउंट हैज बीन अनलॉक्ड, यानी कि जो आपका अकाउंट था दोस्तों डीएक्टिवेट था, अब वो एक्टिवेट हो चुका है। अब एक्टिवेट होने के बाद भी आप ट्राई करते हैं इसमें दोस्तों पुराने पासवर्ड के साथ में, तो फिर भी नहीं खुल पाता है। या तो वो दिखाता है कि गलत यूजर नेम डाल रहे हैं आप, या फिर रॉन्ग पासवर्ड डाल रहे हैं, तो बार बार यही दिखाता है। तो अब ऐसे क्या करना है आपको, इसके बाद अनलॉक अकाउंट के बाद दोस्तों कभी भी कार्रवाई हो आपने फॉरगेट पासवर्ड की करनी है। अब फिर जो है आपने यहां पर अपना स्पर्श का पीपीओ नंबर और 01 जो आपकी यूजर आईडी है वो डालनी है। सेंड ओटीपी करोगे, आपके मोबाइल में ओटीपी आ जाएगा, आपने ओटीपी डालना है। जैसे ओटीपी सबमिट करोगे दोस्तों, तो आपके मोबाइल में एक पासवर्ड आ जाएगा दोस्तों स्पर्श की तरफ से, कुछ इस प्रकार का आता है ABCD, मतलब ऐसे ही एक रैंडमली पासवर्ड आता है। रैंडमली पासवर्ड जैसे ही दोस्तों आपको आता है, तो जो भी पासवर्ड आया तो उसके बाद आपने अपना यूजर नेम लिखना है यहाँ पर, ठीक है ना। यूजर नेम लिखा और जो रैंडमली स्पर्श की तरफ से भेजा गया है पासवर्ड, आपने यहां पर डाल देना। यहां पर डालेंगे दोस्तों आपने, उसके बाद आपने कैप्चा डालना है और लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद तो दोस्तों फिर ओटीपी आता ही, आपको ओटीपी डालेंगे तो उसके बाद खुलेगा दोस्तों कि ओल्ड पासवर्ड और न्यू पासवर्ड। ओल्ड पासवर्ड में आप वो डालेंगे जो स्पर्श ने भेजा है, और नीचे दो न्यू पासवर्ड आएगा आपको। तो न्यू पासवर्ड आप कुछ भी बना सकते हैं कि Ajay@123 ए बड़ा कर देना है, मतलब उसकी पासवर्ड पॉलिसी है उसको करना है, तो कन्फर्म कर देना उसको। उसके बाद आप उसको सबमिट करेंगे तो आपका नया पासवर्ड बन जाएगा। और चेंज पासवर्ड के भी जो आ रहे हैं ना मैसेज दोस्तों, वो इसी प्रकार से होते हैं कि पुराना पासवर्ड डालो और नीचे नया पासवर्ड बना लो। तो कुल मिलाकर के जो चेंज, मैं आपको फिजिकली नहीं बता रहा हूं, मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियोज बनाई हुई है दोस्तों, तो आई होप कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। जिनके अकाउंट डीएक्टिवेटेड हुए हैं, वो अनलॉक की कार्रवाई करने के बाद फॉरगेट पासवर्ड की कार्रवाई करना बिल्कुल भी मत भूलना, अन्यथा आपका लॉगिन नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो आई होप कि आप अब इस चीज को समझ रहे होंगे। मैं क्यों कह रहा था दोस्तों, मैं प्रैक्टिकल बातें करता हूँ, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं दोस्तों, हर कोई नहीं बताएगा आपको। और इतना कुछ देखने सुनने के बाद भी आप केवल वीडियोस को देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिन्होंने ऑलरेडी कर लिया है तो उनको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लाइक का बटन है दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो जरूर लाइक का बटन दबा करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कर जाना। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ, जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।